आप मुझे ये बताओ, आप में से कौन कौन लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट कर रहा है और कौन कौन समर्थन कर रहा है, तो कमेंट करके एक बार बता दो कि कौन कौन भाई बहन लाल सिंह चड्ढा और आमिर खान और ये करीना कपूर है, इनके खिलाफ है, इनका बायकॉट कर रहा है और कौन कौन इनका समर्थन कर रहा, ताकि मुझे भी पता चले कि जो लोग मुझे देखते हैं उनमें से कौन कौन समर्थन में है और कौन कौन इनके विरोध में है। तो जी नमस्ते दोस्तों, राम राम भाई। सबसे पहले तो भाई वीडियो ने पूरा देखना, क्योंकि आज एक जरूरी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना अमित सरोहा, और दोस्तों जैसा कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो ये मूवी आप देखने जाओगे, तो कम से कम जो सस्ते से सस्ती जगह है ना भाई, 150 से 200 रुपये की टिकट है, और उसके अलावा मान लो आप 15-20 किलोमीटर दूर जा रहे हो मूवी देखने, भाई हर किसी के घर पे तो सिनेमा या थिएटर नज़दीक है नहीं, तो वहाँ के भी 150 से 200 रुपये आपके लग ही जाएंगे आराम से। और जब आप शहर में जाते हो फिल्म देखते हो, तो शहर या फिल्म देखते हुए आप कुछ ना कुछ खरीद लेते हो, तो तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लीजिए 400-500 रुपये खर्च करके आओगे। तो वो जो 500 रुपये हैं भाई, इस मूवी को देखने की बजाय उन 500 रुपयों को बचाओ। और आपके आसपास कोई गरीब पढ़ने वाला बच्चा है, उसके लिए किताब खरीद लो, उसको दे दो। उसको नहीं देनी, अपने लिए किताब खरीद लो, कोई अच्छी किताब जिससे नॉलेज बढ़े, हो सकता है आप बिजनेस सीख सकें उस किताब से, अध्यात्म सीख सकें, कुछ भी, उस किताब को पढ़ो और उसको पढ़ के उस गरीब बच्चे को दे दो। तो दोस्तों एक तो ये हो गया, इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो? अगर ये नहीं करना चाहते तो भाई, बहुत सारे गरीब लोग हमारे देश में जिनको दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता, तो कम से कम ये 500 रुपये आप उन्हें दे दो। जो मूवी आप देखोगे ना, उससे ज़्यादा सुख मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा देखना ये सब करके आप। इसके अलावा अगर ये भी आप नहीं करना चाहते हो, तो भाई हर गांव में या हर लाइक उनके आसपास के एरिया में कोई ना कोई गौशाला तो होती ही है, तो भाई या तो गौशाला में 500 रुपये दान दे दो, या फिर 500 रुपये का कुछ खरीद के गौशाला में जाइए, गौ माता को खिलाइयो, कितनी कृपा होगी आप पर। किसी भी जीव जंतु की सेवा कर दो उन 500 रुपये में, किसी भूखे साधु भूखे व्यक्ति को खिला दो उन 500 रुपये में। पश्चिम ये 3-4 काम आप कर सकते हो, क्यों वेस्ट करे उस मूवी पे जिसको ना तो हमारे धर्म से कोई लेना देना, हमारे धर्म की हमेशा बेइज्जती करनी, हमारे भगवानों की हमेशा बेइज्जती करनी। मतलब श्री कृष्ण का अपमान किया, महादेव का अपमान किया, वैसे उसके अपमान करने से उनका अपमान नहीं होना, लेकिन हमें दिखाना है उनको कि हम क्या कर सकते हैं। तो भाई बायकॉट करो ऐसी चीज़ों का, और सपोर्ट करो जिनको रियल में ज़रूरत है, और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम किसी चीज़ को ना देखें या देखें। तो भाई जिनको देखनी उनको कोई हेट नहीं है, लेकिन भाई मेरी तो यही सलाह है, मत देखो। और मैं तो ये कहूँगा जोर देके कि मत देखो भाई, 500 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जो पैसा कमाते हो वो ये तो है ना कि भी पेड़ पे लगता है, तोड़ लिया, उस पेड़ से तोड़ लिया, जेब में डाला, घर चले गए, हो गया काम। ना दोस्तों, ऐसा नहीं है, काफ़ी हार्ड वर्क से आपका पैसा बनता, चाहे कोई भी काम हो। सेव योर मनी, हेल्प अदर्स बाय दिस मनी, यार बहुत दुआएं मिलेंगी, क्या पता फ्यूचर में कहाँ अच्छे कर्म काम आ जाएं। तो दोस्तों भाई ये काम जरूर करो, इनको दिखाओ ये लोग कौन है। तो वैसे भी कहते हैं क्यों आते हो देखने, तो भाई नहीं जाते देखने, अब हम अपनी चॉइस से किसी को खिला देंगे कुछ, किसी की हेल्प कर देंगे। तो दोस्तों क्या मैंने सही कहा? अगर अच्छा लगा मेरा ये विचार तो कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो अपने धर्म से प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ इस मुहिम में। मुझे नहीं पता कौन और यूट्यूबर खड़े हैं या नहीं खड़े हैं जो व्लॉग बनाते हैं डेली, लेकिन मैं खड़ा हूँ अपने देश अपने धर्म के लिए, हमेशा खड़ा हूँ। लेकिन हमें दूसरे धर्म से भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेट नहीं है दूसरे धर्म के लिए, दूसरे धर्म भी हमारे लिए इक्वल हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों जो लोग हमारे धर्म का अपमान करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो हमारे देश का नहीं वो किसी का नहीं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी इस विषय पे, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और फिर से अपने जो आपके व्यू हैं कमेंट्स में लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जय हिंद।